Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 29th of August. So let's start the day with the first important topic and that is Smart Cities Award. तो Union जो Housing and Urban Affairs Ministry है उन्होंने इंदौर को best city चुना है as usual. अब तो ये बच्चों को भी याद हो जाना चाहिए और शायद कहीं ना कहीं ये तो आपको revision की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इंदौर ही हमेशा जो है वो best city में आता है. साथ साथ आप देखोगे मध्य प्रदेश को best state चुना गया है in the Smart Cities Mission in its India Smart Cities Awards 2020. इंदौर जाना जाता है बेसिकली क्लीनलीनेस के लिए. आप देखोगे इस इंडेक्स में तो इंदौर 5-6 साल से लगातार टॉप पे है और यहां पे ये स्मार्ट सिटीज अवार्ड के तहत इंदौर जो है वो बेस्ट सिटी है और मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट है. चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में. तो जो वन लाइनर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो उतना पार्ट इंपॉर्टेंट था. अब अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मिशन इन डिटेल में जानना बहुत जरूरी है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. बेसिकली एक अर्बन रिन्यूअल और रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम है. अर्बन रिन्यूअल मतलब जो भी शहर है उनको रिन्यू करना, जिसको लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा कि डेवलप किया जा सके स्मार्ट सिटीज और उनको सिटीजन फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाया जा सके. अब ऐसा नहीं कि एक बार बारिश हो तो फिर बाढ़ जैसा लगने लग जाए, उस तरीके से नहीं, तो सिटीजन फ्रेंडली हो. और साथ साथ में आप देखोगे इसको लॉन्च किया गया 2015 में यानी कि 2015 के. साथ साथ में इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करना सिटीज को जो प्रोवाइड करता है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेसिक आप कह सकते हो कि बिजली अच्छी हो, एयर क्वालिटी अच्छा हो, मतलब ये सारी जो लाइटिंग वगैरह की चीजें, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो और डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं. तो 100 शहरों को चुना गया, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि बेसिकली इंदौर जो है वो बेस्ट सिटी है और सूरत और आगरा को सेकेंड और थर्ड में रखा गया है. तो टॉप थ्री में ये है, मध्य प्रदेश जो है वो बेस्ट है, तमिलनाडु सेकेंड है और थर्ड में आप देखोगे राजस्थान और उत्तर प्रदेश एक साथ अवार्ड को शेयर किए हैं. तो शहरों में इंदौर, सूरत और आगरा और राज्यों में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान और यूपी एक साथ. यूटी में आप बात करोगे तो चंडीगढ़ जो है वो ओवरऑल मतलब यूटी में बेस्ट रैंकिंग में है. साथ साथ में यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, क्या आउटकम्स निकल के आए हैं, इन सब के बेसिस पे ये है. नाउ बिल्ट एनवायरमेंट में आप देखोगे तो कोयम्बटूर का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बेटर है, जिसने रिनोवेशन किया है लेक्स का कोयम्बटूर में. इकोनॉमी वाइज आप देखोगे जबलपुर बहुत ही बेहतर किया है इस सेंटर में, ठीक है. और गवर्नेंस में चंडीगढ़ का ई गवर्नेंस सर्विस, तो ये कुल मिलाकर के आपको देखने को मिल जाएगा कि गवर्नेंस में चंडीगढ़, इकोनॉमी में जबलपुर और कोयम्बटूर जो है वो बिल्ट एनवायरनमेंट में. चलिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर्स है जो कि ऑपरेशनल है 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटीज में, ठीक है. और साथ साथ में जो अर्बन सर्विसेज हैं वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किए हैं डाइवर्स फील्ड्स में कि किस प्रकार से मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह बेटर हो सके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें. नेक्स्ट ये अगेन बी ए 2.86, तो ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. WHO के हिसाब से एक म्यूटेटेड मतलब आपस में एक नया बनना कोविड वेरिएंट, जिसका नाम ये रखा गया है, वो आइडेंटिफाई किया गया है स्विट्जरलैंड में, साउथ अफ्रीका में, इसराइल में, डेनमार्क में, USA में और UK में. तो ये तो एवरग्रीन वाला टॉपिक हो चुका है कोविड 19, इसको तो मतलब खत्म होना ही नहीं है. ये तो हर बार घूम फिर के न्यूज़ में आ ही जाता है. तो यहाँ पे आप देखोगे ये बेसिकली एक ऑफशूट है ओमिक्रॉन वायरस का, ठीक है. इसके अलग अलग 35 म्यूटेशंस हैं और ये फर्स्ट डिटेक्ट डेनमार्क में किया गया था और ये एक डिवास्टेटिंग वेव कवर कर रहा है उस रीजन में. नेक्स्ट है शिव शक्ति पॉइंट. तो ये जो शिव शक्ति पॉइंट है आप देखोगे तो बेसिकली एक प्लेस है जहाँ पे लैंडर जो विक्रम है उसने टच डाउन करा है लूनर सरफेस पे 23 अगस्त 2023. ये हिस्टोरिक है 23 अगस्त 2023, ठीक है. तो इसी वक्त जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ और जो विक्रम लैंडर है जब वो टच डाउन करता है लूनर सरफेस पे, तो जिस रीजन को वो टच डाउन करता है उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है. और इसी के बीच आप तिरंगा पॉइंट भी देखेंगे, ये वो जगह है जहाँ पे चंद्रयान 2 लैंडर जो है वो क्रैश लैंड हुआ था मून के ही सरफेस पे 2019 में. तो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है तिरंगा पॉइंट मतलब कि चंद्रयान 2 जब मतलब फेल हुआ था जिस रीजन में लैंड होने से उसको जगह को नाम दिया गया है, और शिव शक्ति मतलब इस बार का जो सक्सेसफुल लैंडर विक्रम उतर पाया है, तो शिव शक्ति. नेक्स्ट आप देखोगे नेशनल स्पेस डे, तो अगस्त 23 जो है उसको सेलिब्रेट करा जाता है नेशनल स्पेस डे. तो ये भी मतलब डिक्लेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि जैसे नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं, ठीक है, 28 फेब को, और इसी के बीच में आप अगस्त 23 को देखेंगे तो नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा क्योंकि चंद्रयान 3 हिस्ट्री क्रिएट किया गया है और इंडिया वो फर्स्ट कंट्री है जिसने इस हिस्ट्री को वो क्रिएट कर पाए हैं. बहुत बड़ी बात है, बहुत मेगा अचीवमेंट है, तो कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन. और भारत ऐसे ही R&D पे और ज़्यादा फोकस करे, हम यही चाहेंगे, ठीक है. तो ओवरऑल आप देखोगे ये सारे पॉइंट्स, शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा.
नेक्स्ट है बेसिकली ये जो म्यूरिटेनिस 5G B1C है, तो एक नया स्टडी बताता है कि ये पोटेंशियली रिमूव कर सकते हैं मीथेन को अलग अलग एमिशन साइट्स से, जैसे कि लैंडफिल से, पैडी फील्ड से, ऑयल और गैस वेल्स। इन सभी रीजन्स में मीथेन ज्यादा होते हैं, तो माना जा रहा है कि ये जो बेसिकली मेथाइलो 2V मोपाइक्रोम है, तो बेसिकली ये रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये बैक्टीरियल स्ट्रेन जो है ये कंज्यूम करता है मीथेन को, जो कि 85 टाइम्स मोर पोटेंट है। मीथेन आप देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और सबसे ज्यादा हार्मफुल भी आप कह सकते हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से भी 85 टाइम्स ज्यादा है। और इसी बीच आप देखोगे तो ये बैक्टीरिया जो है वो मीथेन को दूर रखेगा एटमॉस्फेयर से बाय 240 मिलियन टन ऑफ मीथेन को। ये आप डेटा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेसिकली कि कहीं ना कहीं ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज जो है वो कम किया गया है, और इसी के बीच में आप देखोगे कि पेटाग्राम एक यूनिट ऑफ मास है जो कि 10^15 ग्राम्स के बेसिस पे है। नेक्स्ट मीथेन ईटिंग बैक्टीरिया है ये मेथानोट्रॉप्स, जो कि बेसिकली ग्रुप में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कि वो प्राइमरी सोर्स ही है कार्बन और उसका एनर्जी जो मीथेन एमिशंस होता है कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में उसे रिलेटेबल है। और ये अलग अलग एनवायरनमेंट्स में होते हैं, जैसे कि वेटलैंड्स, सॉइल्स, ओशंस और डाइजेस्टिव सिस्टम कई एनिमल्स के। ये आप देखोगे किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस वार्म कर रहा है हमारे प्लैनेट को, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फिर यहाँ पे मीथेन भी है, नाइट्रस और फ्लोरिनेटेड गैसेस, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप मीथेन के शेयर को देख सकते हैं कि कितना बड़ा इनका रोल है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये मीथेन जो है उसको मतलब यहाँ पे किस प्रकार से जो दोनों है वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, इन चीजों को डिस्कस करा गया है, साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन। तो रिसेंटली जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उन्होंने मतलब होल्ड पे रखा है नया रेगुलेशन जो है कि डॉक्टर्स के लिए मैंडेटरी होगा प्रेस्क्राइब करना सिर्फ जेनरिक ड्रग्स को। अभी हाल ही में करा गया था, इसीलिए उसको होल्ड रखा गया कि सिर्फ जेनरिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब करेंगे, ये कंपलसरी ना हो, इसको लेकर के यहाँ पे इसको होल्ड पे रखा गया है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रेगुलेशन 2023 का, इसी में ये रिलीज करा गया था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हेल्थ जो है आपको ध्यान रखना है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है। और इस प्रकार से हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको काफी नया कुछ कॉन्सेप्ट जानने को मिला होगा, और इसी प्रकार से फर्दर करंट अफेयर्स के अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और तमाम भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे चैनल पे। तो आप बाकी वीडियोस भी देखते रहिए और नॉलेज बढ़ाते रहिए। तब तक हम अगले वीडियो तक लेकर के आते हैं आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।